अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी वर्कशीट जो यूनिट नंबर 12 की चल रही थी उसका रिमेनिंग पार्ट करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा मैचिंग का, इसमें कुछ कॉलम दिए हुए हैं हमें, हमने इनको मैच करना है राइट ऑप्शन के साथ। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल लिखा हुआ है तो ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन अपने जहन में लाइए, क्या थी कि ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन हो 180 डिग्री से और लेस देन हो, जो 180 डिग्री से स्मॉल हो और 90 डिग्री से ग्रेटर हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखें कौन सा एंगल है इसके सामने, इसका ऑप्शन पड़ा हुआ है 110 डिग्री। बाकी जितने भी एंगल्स हैं वो सारे इसकी डेफिनेशन को सूट नहीं करते, क्योंकि 110 डिग्री जो एंगल है वो 90 से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से ग्रेटर हों और 360 डिग्री से स्मॉलर हों, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। आई थिंक दिस इज़ द राइट ऑप्शन, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 270 डिग्री। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से लेस हों, जो उससे छोटे हों, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो देखें कौन सा एंगल 90 डिग्री से लेस है, दिस इज़ 45 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल है। स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन है, जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, दिस इज़ 180 डिग्री। नेक्स्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट लाइन को के जो एंगल होता है, जो फुल सर्कल का एंगल होता है, उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, दिस इज़ ऑलवेज ऑफ मेयर 360 डिग्री। राइट एंगल हम बोलते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है उनको, उसको राइट एंगल बोलते हैं, दिस इज़ ऑलवेज ऑफ मेयर 90 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना है मेयर एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हमारे पास कुछ एंगल्स ड्रा करके दिए गए हैं लेकिन इनकी मेयरमेंट नहीं बताएगी, जो हमने प्रोटेक्टर से इनको मेयर करके तो बताना है कितने। सबसे पहले तरीका यही है मेयर करने का कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपना वर्टेक्स पहले आप हाईलाइट कर लें, उस वर्टेक्स पे आप अपने प्रोटेक्टर इस तरह से रखेंगे कि प्रोटेक्टर की जो सेंटर वाली लाइन है जो उसके बिल्कुल 90 को पास करती है, 90 डिग्री के एंगल को, उसको आपने बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर रखना है और अपनी प्रोटेक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसके बाद आपने ये जो अपना सेकेंड आर्म जो है बी वाला, इसको आपने देखना है कि ये किस लाइन पर आके मैच कर रहा है। देखें आप यहाँ पे आपने ऊपर वाला स्केल रीड करना है स्टूडेंट्स, 100 ऊपर हमने 180 तक पढ़ा था, अब नीचे वैसे 180 के बाद ये 100 तो 90 हो गया, फिर 200, 220 और 230, 240 एंड दिस वन इज़ 241, 242, ये बनता है एंगल 242 का। स्टूडेंट्स ये मैंने अपनी तरफ से एंगल बना के तो आपको तरीका मैं सिखा रही हूँ, अलबत्ता जो वर्कशीट के अंदर एंगल्स ड्रा किए हुए हैं वो उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ठीक है। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से हमने मेयर करना है एंगल्स को। दूसरा एंगल भी हम इसी तरह मेयर करेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्टर आप अपनी इस तरह से रखेंगे सेंटर में बिल्कुल, उसके बाद अपने सेकंड आर्म को देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, नीचे वाला स्केल रीड करना शुरू करें एरो से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद देखें 1, 2 लाइंस मोर है ज़्यादा, इससे 62 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्टूडेंट्स ये एक एक्यूट एंगल है, दिस इज़ डन, थैंक यू।